नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। हम आज एक रेगुलर टॉपिक से हटकर के एक सब्जेक्ट लाए हैं, टॉपिक लाए हैं, जिसका नाम है चुनाव वर्सेस चयन, इलेक्शन वर्सेस सेलेक्शन। अब देखिए, हम लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, करवाते हैं, कभी आप लोगों ने शायद इस डाटा को एनालाइज नहीं किया होगा कि एक कंपिटिटिव एग्जाम में फाइटिंग कितना होता है और इलेक्शन में, राजनीति में जो इलेक्शन है उसमें कितना फाइटिंग होता है। तो लोकसभा का चुनाव भारत का सबसे टॉप लेवल का चुनाव है और यूपीएससी का एग्जाम भारत का सबसे टॉप लेवल का एग्जाम है। हम ये दोनों का एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस कैसे? नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो फाइट किया, नंबर ऑफ सीट जो फाइनली सेलेक्ट हुआ और परसेंटेज ऑफ सेलेक्शन। तो ध्यान देंगे कैसे, लोकसभा चुनाव 2014 की बात करेंगे तो टोटल कैंडिडेट्स जो अप्लाई किया या कंटेस्ट किया, चुनाव को लड़ा, वो 8251। सिलेक्शन तो फिक्स है 543। इसका रेट ऑफ परसेंट जो सिलेक्शन का आया 6.58%, यानी कि आपको 100 में से 93.42 लोगों को छाटना होगा। जबकि यूपीएससी का एग्जाम देखेंगे तो 947,428 कैंडिडेट ने अप्लाई किया और फाइनली सिलेक्टेड हुए 1236। इसका जो सिलेक्शन का रेशियो आता है मात्र 0.13, यानी 100 में से सिर्फ 13 पैसा। यानी कि ये आप देख लीजिए, यहां सिलेक्शन 1% से भी कम है और यहां सिलेक्शन का क्या है 6.58%। अब आप ये चौंकिएगा और देखिए, 2019 के इलेक्शन में कैंडिडेट कम गए, इलेक्शन में चुनाव में कैंडिडेट जो है कम गए, यहां 8,040। यहां पर देखिए सीट वही है 543, यहां पर रेट ऑफ सिलेक्शन रेट बढ़ गए, कैंडिडेट कम गए लेकिन सिलेक्शन ऑफ रेट बढ़ गए, यहां पर 6.58 से 6.75 हो गया। लेकिन यहीं पर इधर देखिए, 947,000 से ये भी कैंडिडेट कमे 8 लाख, लेकिन सीट भी यहां कम गया, 829 सीट सिर्फ रहा सिलेक्शन का, ये हो गया 0.10%। अब आप खुद देखिए कि लोकसभा चुनाव में सफल होने से ज्यादा कठिन है कि यूपीएससी के एग्जाम में सिलेक्शन हो। मजेदार बात यह है कि सुनने में ये आ रहा है, पूरी इस खबर को आप खुद जांच पड़ताल कर लीजिएगा, लोकसभा की सीटें सुनने में आ रहा है बढ़ाया जा रहा है, यानी कि जो है राजनीति, यानी कि जिसको आज तक लोग गंदी वस्तु मानते हैं, राजनीति कीचड़ है जी, दलदल है जी, नहीं, राजनीति बहुत अच्छी चीज है। यहां कंपटीशन फाइटिंग कम है, कहां, यूपीएससी के बनिस्पत, यूपीएससी का एग्जाम में फाइटिंग ज्यादा है, जबकि लोकसभा के चुनाव में फाइटिंग कम है। और सुनने में आ रहा है लोकसभा की सीट जो है 543 से, यानी कि 550 से बढ़ा करके 700-800 सुनने में आ रहा है किया जा रहा है, यानी कि यूपीएससी के करीब। तो सभी यूपीएससी की तैयारी करने वाले युवाओं से, मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं हूं लेकिन एक बार आग्रह जरूर करेंगे कि राजनीति कौन सी बुरी चीज है। जब आप यूपीएससी के लिए साल दो साल मेहनत करते हैं तो हमें लगता है कि राजनीति भी हर युवाओं को ट्राई जरूर करना चाहिए और उसमें सफल होंगे, ये मेरी गारंटी है। कारण डाटा क्या कह रहा है जी, यूपीएससी में सिलेक्शन रेट 0.10%, जबकि इलेक्शन में सिलेक्शन रेट 6.75%। तो बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से, 2024 की तैयारी कीजिए और जो भी आपके लिए अच्छा रहे तो जरूर एक बार चुनाव में नॉमिनेशन कराइए। जय हिंद, जय भारत।